ये रास्ता रत्ती गली लेक की तरफ लेके जा रहा है। 16 किलोमीटर बेस कैंप तक रास्ता है और आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक। बेस कैंप के आधे रास्ते में रुके हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स कर लें। हम में से दो लोग जो हैं शाह वकास और दूसरे भाई, वो ये 8 किलोमीटर यहाँ से हाइक करके जाएंगे ऑल द वे। अभी हम हाफ वे पहुँचे हैं रत्ती गली के बेस कैंप की तरफ। ये जीप में स्काई इज ओवरकास्ट डार्क क्लाउड्स, तो आगे रेन एक्सपेक्टेड है। रेन सूट मैं लेके आया हूँ वैसे साथ। इस टाइम बहुत शदीद ठंड है, तकरीबन 7 बजे होंगे या 6:30 का टाइम होगा, क्योंकि हम बहुत अर्ली उठ गए थे। और अब ड्राइवर कह रहा है कि जी जितनी जल्दी हो सकता है निकलें यहाँ से, क्योंकि आगे मौसम का कोई पता नहीं है। हाँ जी, मोराल कैसे है? ये ग्लेशियर आ गया। सिक्सटीन किलोमीटर के ट्रैक पर तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय किया होगा कि इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। ये पूरा ट्रैक अप टू बेस कैंप बेहद रगड एंड एक्सट्रीमली रॉकी है कि जीप के अलावा कोई और व्हीकल यहाँ नहीं आ सकता। पतलियां लेक, रत्ती गली लेक एंड गटियां लेक फॉल इन प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। ये सामने ग्लेशियर के साथ पतलियां लेक की तरफ जाने वाला ट्रैक है। बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी दौरान बर्फबारी शुरू हो गई है। जैसे ड्रिजलिंग हो रही होती है उस तरह की कोहरा पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, सामने लाइव बर्फ पड़ रही है और बेस कैंप पे भी बर्फ मिलेगी और आगे झील पे भी। वैसे रोड स्लिपरी हो गया हुआ है और साइड पे पहाड़ों पे भी रिसेंटली पड़ी है। अभी मेन वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स द बेस कैंप। बेस कैंप पहुंच गए हैं। बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा जीप स्लिप कर रही है। ये बेस कैंप पूरा बर्फ से ढक गया हुआ है, तो यहाँ से हमने आगे ट्रैकिंग शुरू करनी है। क्या जीप, अब क्या बनेगा? बर्फ में ही ट्रैक करेंगे है तो नहीं? कुल्फी आपकी जम जाएगी। तो ये है जी रत्ती गली बेस कैंप, और आधे रास्ते में हमें बर्फ मिल गई थी और अब लगातार बर्फ पड़ रही है, और इसी में ही 2 किलोमीटर्स का ट्रैक करते हुए जाना है वहाँ पे। और ये बेस कैंप है जी बर्फ से ढका हुआ, और अभी बर्फ़ पड़ना शुरू हुई है और लगातार पड़ रही है। चांसेस वर देयर, सितंबर चल रहा है क्योंकि विंटर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर।
ये बेस कैंप है। बेस कैंप से बर्फ़ पड़ गई थी, अब ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं, पूरा रेन प्रोटेक्टिव गियर और बर्फ़ में ट्रैकिंग के लिए भी सारा इंतज़ाम कर लिया है। तो ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे, बर्फ़ में ऊपर भी बर्फ़ ही पड़ रही है शदीद किस्म की, और रास्ता जो है सारा चिकना हो गया। बेस कैंप पे आके कब देर बैठे रहे। ये हमारे दो साथी हैं, पीछे उतर गए थे, दे आर बिग टाइम ट्रैकर्स। तो ये ट्रैक करते हुए आए, जैसे ही ये पहुँचे हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी। फैसलाबाद से चार भाई हैं, म्यूल्स पे जा रहे हैं। ये मौलवी साहब हैं, ये कह रहे हैं जी मुझे कैप्चर कर लें। मौलाना तुरगुत फ्रॉम फैसलाबाद। यस, आपका क्या जेजी एडवेंचर? जेजी एडवेंचर्स। चलें, सारे रास्ते में वर्टिकली ट्रैक के बर्फ़ पड़ी हुई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हुआ है। दूर सामने यार वाटरफॉल है बड़ी प्यारी। ये सीधा रास्ता है लेकिन मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ ताकि जल्दी पहुँच सकूँ ऊपर। इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बहुत स्लो प्रोग्रेस है। ऊपर पहुंचने पर एक वाटर पॉन्डिंग नज़र आई, छोटी सी एक लेक बनी हुई। वो ट्रैक जा रहा है स्टिल, इट्स क्वाइट स्टीप, अप हिल ट्रैकिंग है। वो यार बहुत दूर जाना है ये, तो मेरा ख्याल है वो वहाँ पे उस पहाड़ के बड़े झील है, क्योंकि 2 किलोमीटर्स का ट्रैक है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स बाय देन कवर हो चुके होंगे। यहाँ से ट्रैक बहुत स्टीप हो गया हुआ है और बहुत स्लिपरी है ओइंग टू रीसेंट स्नोफॉल। वो लेक है स्मॉल सी, मेरी मजबूरन मुझे लेना पड़ा कि मैं ट्विस्टेड नी की वजह से ट्रैकिंग और जारी नहीं रख सकता था। नी प्रॉब्लम नहीं कर रही लेकिन मुझे फियर है कि वो ट्विस्ट ना हो जाए, स्लिप हो जाऊँ मैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है। और रहा क्या घोड़ा भी स्लिप हो जाता भाई फिर। हाँ बिल्कुल सिंगल ट्रैक है ना। हाँ अच्छा, छोटी सी पगडंडी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पर ऊपर लेके जा रहा है और बहुत डेंजरस रास्ता है। ये माई फर्स्ट टाइम कि मैं घोड़े से जा रहा हूँ, भाई घोड़े की हिम्मत है, कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। अल्लाह हस्बी अल्लाह नेम अल वकील, हस्बुन अल्लाह नेम अल वकील। ह्यूज एक्सपेंस, ऑल कवर्ड विद स्नो। यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये ज़रा ट्रैक स्लिपरी है तो आपको उतरना पड़ेगा, ये मुझे खुद ऑन फुट ट्रैक करना पड़ेगा। ले जी पहाड़ क्रॉस किया है और आई थिंक वो सामने, वो यस इट्स सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेंस, वो छोटी लेक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट, तो पूरा मुझे ऊपर तक भी लेके नहीं आया ओइंग टू स्लिपरी पाथ, कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो मैं खुद ही ऑल द वे अप आया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह सुभान व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا و یرضا۔ سبحان اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا بالله۔ फाइनली अब मैं आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ, यू वॉन्ट बिलीव योर आइज, क्या बात है। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे और इट्स अ ह्यूज लेक। और ये है जी रत्ती गली लेक। सुभान अल्लाह, इट्स अ ह्यूज लेक, शायद कटोरा से भी बड़ी है ये लेक। कटोरा इतनी बड़ी नहीं है बट वो मुझे बहुत ज़्यादा डीप लगती है।
और उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि समवट ये उसी तरह कटोरा ही है। उसका नाम भी कटोरा इसीलिए रखा गया था कि वो पहाड़ों के दरमियान एक कटोरा नुमा लगता है, तो ये भी कटोरा की तरह ही लगती है क्योंकि आप इनटू कटोरा लेक और उसकी ट्रैकिंग इज़ वे टू टफ, इट्स जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। उसकी 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है जबकि ये सिर्फ 2 किलोमीटर है फ्रॉम द बेस कैंप। अगर वीलोग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लीव कमेंट एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।